ये आप लोग को दिखाते हैं कि हमारा क्या कहते हैं रूमी गेट, अभी इसकी मरम्मत चल रही है। मरम्मत चलने के साथ साथ आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ज़रा इसको जूम करें। टिकटॉकिए देखो, इधर मिल जाएंगे थोड़े से टिकटॉकिए, थोड़े यहाँ मिल जाएंगे। और वो देखो, ये देखो बाइक के पास खिलवाड़ कर रहे हैं टोपी वाले, हटे ज़रा भाई साहब। ये देखो यहाँ पर टिकटॉकिए है यहाँ पर, ठीक है। तो इन लोगों को यहाँ पर आना बनता है, जब जब तक आपको माहौल दिखा दे रही है। हमारा है रूमी गेट, अभी इसकी मरम्मत चल रही है। सारे टिकटॉकिया अभी धूप है ना, धूप में निकलते नहीं, ये लोग काले हो जाएंगे, इसलिए शाम को देखेंगे यहाँ पर टिकटॉकिया बोरी भर भर के आ जाएंगे, ठीक है। चलो भैया, हम अपना ऑर्डर देने जा रहे हैं, मेरा ऑर्डर लगा हुआ है। हाँ भैया, स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। आज बेहतरीन, मतलब आज भी कल के ही टाइमिंग पे लॉगिन कर लिया। अभी बज रहा है एक, अभी वो दिखा देंगे हमने लॉगिन जितना टाइम करा, एक बज रहा है और अपन जोन के अंदर आ गए हैं। 20 किलोमीटर दूर घर है, वहाँ से आके जस्ट लॉगिन करा अभी मैंने। तो मेरे में तो कोई पाबंदी नहीं टाइमिंग वगैरह की, तो इसलिए हमने अपना एकदम फ्लेक्सिबल है, जब मर्जी है तब खोलो, जब मर्जी है तब बंद करो। लेकिन शायद शाम से मतलब 7 से 10:30 तक की मतलब लॉगिन रखना ही रखना है। तो कोई बात नहीं भाई, हम अपना कर लेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे रात तक कितने काम करते हैं, क्या करते हैं। और दिखा दे रहे आपको, ये रहा मेरा बैग और ये ग्लव्स हैं, और यहाँ पे अपने डिवाइस लगा रखा अपना, ये वहाँ छोटा मोटा स्टैंड है, देख लो। लॉगिन हिस्ट्री आपको दिखा दे रहा हूँ पे आउट खोल के, और अभी देख लो बिल्कुल अभी मतलब 1:07 हो रहा, ऊपर विजिबल हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो हम जोन में हैं बिल्कुल ही, अभी देखेंगे क्या होगा आज, कितनी की अर्निंग होगी, ये तो पता नहीं चल पाएगा ना हमको ना आपको, वो तो मतलब वीक के एंड में मालूम चलेगा। और जब ये वीक ख़त्म होगा, नेक्स्ट वीक आएगा, तब मेरे को मालूम चलेगा क्या हिसाब से मेरे को पेमेंट आ रहा है। तो भाई जब तक सब्र रखना पड़ेगा आपको भी, हमको भी, हम काम करना है, इसलिए आप अपने आराम से काम करें। लेकिन सैटरडे संडे पेल के काम करेंगे, तो अभी 2 दिन बाकी सैटरडे संडे में, ठीक है। बने रहो भाई, देखते हैं क्या होता है, मार्केट की तरफ चलते हैं, शहर की तरफ जहाँ पे रेस्टोरेंट ज़्यादा है, वहाँ से फटाफट से आज ऑर्डर करते हैं। आज मौसम लेकिन ठीक है, आज मौसम में नमी है, तो भाई जो 2-3 दिन से गर्मी पेल पड़ रही थी ना, उससे मुरव्वत है आजकल नहीं मतलब केवल आज ही के दिन। तो फिर चलते हैं, ठीक है। अभी धूप निकल आई, अभी तक धूप भी नहीं निकली थी, तो धूप निकल आई। मौसम देख लो एकदम खुला खुला सा है, बेहतरीन सा, ठीक है। चलो भाई चल रहे। सबसे बड़ी चीज़ है मीटर दिखाना भूल गए थे, अभी देख लो 20,187 किलोमीटर है, ठीक है। देखो भाई माहौल सामने देख रहे हो, वो हम लोगों का समझ लो कि वो है विश्वविद्यालय का सेकंड कैंपस, पीछे वाला गेट है, ठीक है। चलो फिर मार्केट चल रहे हैं। ये आप लोग को दिखाते हैं कि हमारा क्या कहते हैं रूमी गेट, अभी इसकी मरम्मत चल रही है। मरम्मत चलने के साथ साथ आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ज़रा इसको जूम करें। टिकटॉकिए देखो, इधर मिल जाएंगे थोड़े से टिकटॉकिए, थोड़े यहाँ मिल जाएंगे। और वो देखो, ये देखो बाइक के पास खिलवाड़ कर रहे हैं टोपी वाले, हटे ज़रा भाई साहब। ये देखो यहाँ पर टिकटॉकिए है यहाँ पर, ठीक है। तो इन लोगों को यहाँ पर आना बनता है, जब जब तक आपको माहौल दिखा दे रही है। हमारा है रूमी गेट, अभी इसकी मरम्मत चल रही है। सारे टिकटॉकिया अभी धूप है ना, धूप में निकलते नहीं, ये लोग काले हो जाएंगे, इसलिए शाम को देखेंगे यहाँ पर टिकटॉकिया बोरी भर भर के आ जाएंगे, ठीक है। चलो भैया, हम अपना ऑर्डर देने जा रहे हैं, मेरा ऑर्डर लगा हुआ है। हाँ भैया, अब कहोगे कि अब कहीं के रिकॉर्ड कर रहे हो, तो हम बता दे रहे हैं अभी का टाइम देख लो कितना हो रहा है। ये काली डनाली बोहिमिया पाजी अपने, ठीक है। अभी टाइम बता दे रहे, 7:15 हो रहा है। अभी से रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुबह से रिदम नहीं मिला था मेरे को, मतलब ऑर्डर बहुत बैठा रहा था, तो हमने कहा जब कोई ऑर्डर अल्टरनेट लगेगा तो ही हम मतलब रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो ऑर्डर है हमारा, ये बावर्ची देख रहे हो, उसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर लगा था, तो यहाँ से पिकअप हो गया है, जाना है हजरतगंज। तो अपन चलते हैं फटाफट से हजरतगंज, ये सहारा वालों की बिल्डिंग है, इन्होंने शायद कर रखा है अब यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह छोड़ने के लिए। अरे यार देखो, रेड लाइट है, हम पता नहीं कौन से रास्ते जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं। अब यहाँ से यू टर्न मारेंगे तो देखो मामू खड़े पकड़ के टेढ़ा कर देंगे। अब इससे अच्छा क्या रहेगा अपन के हाथ में, अपन को यहाँ से यू टर्न मारना पड़ेगा, समझ रहे हो भाई हम क्या कहना चाह रहे, भावनाओं को समझो। ये देखो, ये है अपना कट कट, तुम काट खेलना है यहाँ पे, बस इनसे लड़ाई कर ले। नहीं नहीं, ये लोग होशियार लोग है भैया, माफी की डिग्री लिए है लेकिन फड़फड़ाते हो गए। ये देखो हमने क्या ही मारा है, यूथ कट मारा भाई, वो है मेरे बराबर कट मारने वाला। देखो देखो देखो, शाम हो गई है, शाम को फिर लगता है जाम, शाम जाम, जाम वाले हम है नहीं,
हॉर्न बजाने से क्या गाड़ी का हेलीकॉप्टर बना दोगे क्या तुम लोग? भाई हमरा बस चले ना तो हम हॉर्न दे ना, अगर हॉर्न दे तो एकदम मतलब माइनर था कान के पास आए तब सुनाई दे। पहले इतना बड़ा बड़ा हॉर्न लगवा रहे उसने और स्टॉक बाइक में खतरनाक खतरनाक हॉर्न देने लगे आजकल, क्या ही बताएं। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। चलिए आपको दिखाते हैं कि लखनऊ की जो ब्यूटी है, छोटी सी ब्यूटी मतलब एक नजराना है, एक पेशकश है हमारे शहर की छोटे मोटे, जो कि अब देख लो लेफ्ट से राइट साइड में देख लो कितनी तरह से हरियाली लगाई हुई है और कोशिश यही है कि भाई पेड़ पौधे लगाए जाए और जितने पेड़ों को आप जन्म दोगे, जितने पेड़ पौधे उगाओगे उतना बेनिफिट रहेगा अपने लोगों के लिए और बेहतर ही रहेगा। आप देखो हमारे लखनऊ की छोटी सी मोटी सी माहौल देखो जरा सा, यहाँ ये हमारे हजरतगंज का मार्केट है और हजरतगंज का व्यू है छोटा है और देख लो भाई एकदम ऐसा लगता है कि कहीं मतलब ठीक ठाक जगह पर आ गए हैं। तो बस इतना ही है, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास फिलहाल दिखाने को, लेकिन अभी दिखा दे रहा हूँ। आइए। अरे कहना क्या चाहते हो? फाइनली कस्टमर को फोन तो कर दिया है, यही तो नहीं आ रहे, आई थिंक यही है। आप ही भैया, क्या नाम से ऑर्डर है? मनीष। तब ठीक है, ठीक है भाई, ओके यस, ऑर्डर को डिलीवर्ड मार्क करते हैं। देख लो भाई क्या हुआ ना, अभी 50 हो जाएगा, यानी कि 50 ऑर्डर मेरे को डिलीवर करने हैं। तो हम कौन से सितारे पहुंच जाएंगे आपको दिखा दे रहे हैं, कौन सा सितारा कहाँ दिखता है, यहाँ पे 100 ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो डायमंड पहुंच जाएंगे भाई, कहाँ गए योर परफॉर्मेंस बेनिफिट्स। ओ डायमंड के लिए, अच्छा यहाँ पे ऊपर वाले में दिखेगा, ये डायमंड है, ऑन टाइम ऑर्डर्स 95 है, तो मतलब 90 और 100 के बीच में रहोगे तो डायमंड कर देगा, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरे ऑर्डर के लिए फटाफट से। 2000 years later भैया ऑर्डर आया, देखो जूम जूम जूम, इंडो चीनी फूड्स सेंट फ्रांसिस पे है, तो इनको किडनैप करते चल के ठेला लगाते हैं, लेकिन इसका भाई मस्त है, पहले तो ठेला लगाता था, देखो है ठेले पे इनकी दुकान है भाई, इंडो चीनिया लेकर भाई फूड एक नंबर है, इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। तो अपन चलते हैं फटाफट से इंडो चीनी, इंडो इंडो चीनी चीनी बाय बाय, इंडो चीनी बाय बाय। तो बाय बाय के लिए रास्ता किधर से हम भूल गए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 2000 years later फाइनली भाई ऑर्डर आ गया अपने हाथ में, तो हाथ की जगह बैग में डालो, हाथ में अच्छा नहीं लगेगा भाई, जुबान पे जो सब काई लगी थी ना, सब काई हो गई है साफ हमारी। देखिए ऑर्डर पिकअप करा, हाँ पिकअप कर लिया, चलते भाई फटाफट से, मजा आ गया, इनको चीनी के बराबर में खाया मोमोज भाई, समझ लो कि एकदम पूरे खुपड़ी गर्द कर दी हमारी, एकदम जन्ना आ गई है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भैया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुमको हम दिखाएं S1000RR BMW के बाहर से दिखा दे रहे, देखो दिख रही है ब्लैक कलर की खड़ी है, अच्छा साइकिल और बीच में आ रही है, देख रहे हो S1000RR मजबूत है कि नहीं? यदि अपना एक सपना है कभी ना कभी पूरा होएगा, भगवान ने चाहा तो ये पूरा होगा। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल भाई हम जा रहे थे ऑर्डर लेकर डिलीवर करने, मतलब हाँ ऑर्डर डिलीवर कर चुके थे सॉरी, और उसके बाद मेरे को ये चच्चा दिखे, इनके हाथ देखिए आप, हाथ कितने तेज वाइब्रेट कर रहे थे, हाथ कांप रहे थे इनके, क्या ही बोलूँ, देखो ये कुछ मतलब परेशान से लग रहे थे, उनकी जो सिटिंग पोजीशन थी स्कूटी पे वो भी डिफरेंट थी, काफ़ी डिफरेंट थी, तो मेरे को देख के इनके कुछ हाल सही नहीं लगा, वहाँ पे माइक भी नहीं काम करा ना, तो भाई मैं बताता कि क्या बात हुई थी मेरी एक्चुअल में उनसे, मैंने उनको साइड में बाइक लगाई, मैंने पूछा आप ठीक हो, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मतलब ऐसा बोला, तो मैंने थम्स अप भी करा, ठीक है चलिए अच्छे से आराम से जाइए कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे पूछा थम्स अप करा, यहाँ पे मैंने थम्स अप करके फिर भी मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो मैं इनसे बोला मतलब कुछ अभी बोला नहीं यहाँ पे कि अपना साइड में मैं हो गया थोड़ा सा, मैंने कहा एक बार इनको आगे निकल के देखते हैं कि इनको वाकई में कोई प्रॉब्लम है क्या। ये देखिए हाथ इनके आप देखिए कितनी तेज़ वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब एक कपकपी टाइप की हो रही है ना इनको, मैंने इनसे कहा गाड़ी आप रोक लीजिए साइड में, रोकने के बाद इनसे पूछा क्या दिक्कत है,
कोई दिक्कत हो बताइए, मैं पानी वानी पिला दूँ आपको। तो उन्होंने ये बोला कि पानी रहने दो, और तुमने पूछ लिया मेरे लिए यही बहुत है भाई। तो मेरे को बड़ा अजीब सा फील हुआ यहाँ पे कि भाई मैंने पूछ लिया ऐसा करके। तो मतलब उनको बड़े एहतियात से अजीब से हो गया था, मतलब वो शब्द में बयान नहीं कर सकता किस तरीके से उन्होंने कहा था। तब भी मेरे को भाई इन पर भरोसा नहीं हुआ, हालांकि कि इन पर कोई दिक्कत है। तो मैंने इनको आगे निकलने को बोला, जब ये आगे निकल के गए तो इनके मैं पीछे पीछे धीरे धीरे चलता रहा कि देखे ये सही है, सही तरह से चला ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भाई मैं इनके पीछे जस्ट चल रहा था, ठीक है, मैं इनको ट्रैक करते करते पीछे तक इनके चलता रहा। मैं थोड़ी दूर तक के चला, थोड़ी दूर तक के क्या, जब तक मतलब जहाँ तक इन्होंने ड्रॉप लेना था वहाँ तक मैं चला। और ये आगे चल के ये फ्यूल स्टेशन पर रुक गए, देखिए लेफ्ट साइड में फ्यूल स्टेशन है, इन्होंने कट मारा और ये लेफ्ट साइड में पेट्रोल भराने जाएंगे अभी। ओके, ये वाला पेट्रोल पंप है, हाँ ये दूसरा वाला, वो उस पे तो नहीं, ये फ्यूल स्टेशन है, यहाँ पे ये अपना फ्यूल अप कराने जाएंगे। तो मैं बस यही देखना चाह रहा था कि ये सही सलामत घर तक पहुँच जाएंगे या नहीं पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनके वाइब्रेशन बहुत हो रहे थे और इनको कुछ प्रॉब्लम सी महसूस हो रही थी। तो भाई जब मैंने देख लिया कि ये सही सलामत है, अपने स्थिर तरीके से वहाँ पहुँच गए फ्यूल स्टेशन पर, तो मैं इनको भाई देख के मैं चुपचाप भाई चला आया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आराम से पहुँच गए हैं, यही काफ़ी है, क्योंकि अपने संतुलन में थे ये, मेरे को लगा। लेकिन इनके कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, भगवान जाने, इनको भगवान सही कर दे जल्द से जल्द। मैं ये सब बोल के फिर निकल गया है। भैया फाइनली फिर लेखन झेलने के बाद, टाइम जरा देखो, टाइम हो रहा 4:04। हाँ भाई, इतनी देर बाद ये ऑर्डर आया मेरे को, मैं एकदम परेशान हो घर जा रहा था, हालांकि घर का रास्ता नाप ही चुके थे तब ये ऑर्डर हमको भेजा है। मतलब इतना बंद कर दी इसे आज ट्रेनिंग ने, ये तो ऑर्डर आया हुआ है चिक चिक चिकन कॉर्नर से, कॉर्नर टू है कॉर्नर है पता नहीं, देख ले, क्योंकि चिक चिक चिकन के नाम से कई खुल गए, मिस्टर माय चिक चिक चिकन। हाँ भैया बड़ा दर्द है यार, हमारे शहर में ऐसे ऐसे लोग बसे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग बसे, लोकेशन खोल ले रहे हैं। अब देखो भाई इसकी लोकेशन आगे की पड़ी है, हैं मैं चिक चिकन कॉर्नर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जब चिकन कॉर्नर है साला, बोलने में अटपटा लग रहा है अभी, इतना चिक चिक चिकन है, चिक चिक ज़्यादा है ना इसके रेस्टोरेंट में, चलिए चिक चिक चिकन कॉर्नर हो गया। सही बात है, हमारे यहाँ पर दारू वाले बहुत रहते हैं, कैमरा वैमरा लगाए हैं, कोई पेची ना हो जाए मेरे साथ, चलो गाड़ी यहीं खड़ी कर देते हैं, रख लिए कैमरा सेफ्टी के लिए होता है। तो इनको अराइव करें फटाफट, ऑर्डर अभी 2 मिनट लगेगा इनको रेडी करने में। क्या है, मटन कोरमा हाफ, तंदूरी रोटी 3, पूछते हैं इनसे। जोमेटो का ऑर्डर है, इधर से ये कैमरा है ना? हाँ भैया कैमरा है, वो ऑर्डर है भाई, रेडी हो गया क्या? भाई बता रहे आप ही के पास मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, ये इसमें एक मटन कोरमा हाफ है और 3 तंदूरी रोटी है मेरे लिए। भैया रेडी कर दिए, कहाँ से होगा भैया? 3959 रेडी कर दिए, नहीं नहीं रेडी नहीं किया भैया ने, हाँ अभी हो गया, ठीक है शुक्रिया भैया। चलो भाई ऑन टाइम ऑर्डर मिल गया, फटाफट से पिक अप हो गया है। 2000 years later. बड़ा क्या भाई, किस नाम से? रोहित वर्मा जी के नाम से। भाई ऑनलाइन कर दोगे पेमेंट? ओके ओके, तो बढ़िया है। चलो इस ऑर्डर को डिलीवर्ड मार्क करते हैं, और कस्टमर ने थैंक यू नहीं बोला लेकिन हम अपनी तरफ से डाले दे रहे थैंक यू, ठीक है। तो भैया टाइम आप लोग चेक कर सकते हैं, 10:25 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से रवानगी लेते हैं घर पे सीधे, नहीं तो जिसने भेज दिया हमको हमारे घर की तरफ भेजते हैं तो क्या पता वो उल्टा सीधा पकड़ लेता, तो बंदर बना रहता और हम बंदर बनना नहीं चाह रहे हैं अभी, क्योंकि मेरा टाइम भी हो गया है, 2.5 बहुत होता है हमारे लिए, हमारा घर 20 किलोमीटर दूर है, वो भी थोड़ा सा आउटर में है, तो इस कारण से भैया हम यहीं से रवानगी ले लेते हैं, जिससे कि 30 हो जाता है, 10:30 बज जाता है, आई डी करेंगे ऑफलाइन। जब तक आप ये रास्ता देख लो, कुछ दिखाई दे रहा, जंगल है बिल्कुल जंगल, समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो
खड़ंजा आ गया। मेरी बाइक की लाइट है और इसी के नीचे भी है कुछ ज्यादा, तो आपको सही से विजिबल हो पा रहा होगा कि नहीं हो पा रहा होगा उसका मेरे को जरा भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं फिलहाल ये रोड आ गई है। ओहो बेटा ये भाई क्या ही गाड़ी जंप मारी है, तो यहाँ से अपन निकलते हैं फटाफट। आप लोग देख लो भाई, अभी मीटर हो रखा है 20,274, ये दिखाना भूल गया था क्योंकि मैं निकल आया था तो वहाँ से करीब 5 किलोमीटर आगे निकल आया था, तो 5 किलोमीटर में चाहो तो प्लस कर लो 20,270 मान लो, मोटा मोटी इतनी चली है गाड़ी। ठीक है, घर पहुँच के बताऊँगा कि कितनी चली है। ठीक है, हाँ भैया आ गए हैं घर पे। घर पे आने के बाद देखा कि भाई जो भी है सिस्टम अपना खाने पीने का वो खा पी करके एकदम फिट हो गए, और आपको दिखा देते हैं कि आज हमने जोमेटो में क्या करा। जोमेटो में समझ लो मेरे लिए एक मिस्ट्री बॉक्स है, जोमेटो के ही भरोसे हैं हाल फिलहाल अभी के लिए तो, और रहना ही पड़ेगा क्योंकि भाई जो अपना पे आउट है वो आएगा मेरा मंडे को। तो ठीक है आपको दिखा देते, 9.5 घंटे हमने काम करा जोमेटो में, तो 10 ट्रिप करी हैं 9.5 घंटे में, 12 ऑर्डर्स कम्प्लीट करे हैं, जिनका अगर मैं आपको पे आउट दिखाऊँ तो आपको पे आउट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ट्रिप पे अंडर प्रोसेस सारे अंडर प्रोसेस ही रहेंगे। ठीक है, और अभी हम आपको दिखा देते हैं जो भी हुआ मेरा काम। आज एक चचा हमको मिले थे, चचा वो बेचारे मतलब गाड़ी चला रहे थे स्कूटी, वो बहुत मतलब एकदम हिल रहे थे, उनको कपकपी सी महसूस हो रही थी। मैंने को देखा, मतलब देखा, देखने के बाद उनसे रोका उनको, मैंने कहा भाई बताइए क्या दिक्कत है क्या चचा का, तो वो मतलब एकदम मतलब उदास होकर के एकदम हताश होकर के बोले कि बेटा चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुमने पूछा तो हाँ, और मतलब पूछा तो ऐसा करके बोला, तो थोड़ा अजीब सा मतलब लगा कि यार क्या है, मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर पूछा मैंने कि प्रॉब्लम है, पानी वानी पिएंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है बेटा तुमने पूछ लिया यही बहुत है, तो हो सकता है उनको कुछ जो भी रहता हो, हमारे यहाँ बोलते हैं मिर्गी के दौरे, तो मिर्गी के दौरे वाले बहुत बुरा चीज़ होती है भाई, तो मिर्गी के दौरे भाई अलग ही लेवल पे, उसका सिस्टम कहीं पे भी आ सकता है कभी भी आ सकता है। अभी कोई ट्रेन, हमारे पिताजी लोग बताया करते हैं मतलब पुरानी कहावत उससे रिलेट करती कि अगर ट्रेन के गेट पे जिसको खड़े होते हो तो मत खड़े हुआ करो जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं, तो वही तो भाई गाड़ी चला रहे थे ऐसा फील था। ठीक है, तो अपन भाई कोई बात नहीं कल मिलते हैं, कल परसों नरसों, और आपको दिखा दे रहे कि मेरे को कितना काम करना है मेरे को डायमंड पहुँचने के लिए। और ये देखिए आप ये भी देख लीजिए, 47 ऑर्डर्स अवे फ्रॉम अनलॉकिंग योर मेडल बेनिफिट्स कीप गोइंग। ठीक है, तो भाई हमारे 47 ऑर्डर बचे हुए हैं, 47 ऑर्डर हम कल परसों नरसों 3 दिन का टाइम है, तो सोचेंगे कल थोड़ा खींच लें, कल और परसों नरसों के लिए कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो भाई अब अपना इसीलिए कर लेंगे काम, अपना जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, बाकी बताते रहेंगे अपडेट करते रहेंगे, और जो मिस्ट्री बॉक्स ओपन होगा वो होगा मंडे को, तो आप तब तक बने रहना, देखना पूरी वीडियो। ठीक है, मज़ा आने वाला है। ठीक है भाई, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जय हिंद। ठीक